माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त भारत का जो आह्वान किया था किए हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि हमारे पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री एक समय में जूट उद्योग को पश्चिम बंगाल को जूट उद्योग का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि 1992-93 में एक कानून था 63 लाया गया था जिसमें कहा गया था कि इंडस्ट्रियल जमीन जो है वो इंडस्ट्रियल जमीन ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जब से पीसी भाईपो की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल जमीन जो है वो कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है सब्जेक्ट टू अप्रूवल और 66% जमीन बेच भी जा रही है और 33% जमीन कहा जा रहा है कि बंगाल में कहीं भी दे दो और उससे काम चल जाएगा, वो मिलता भी नहीं है, इसमें बड़ा व्यापक धांधली चल रहा है। आज जूट मिलों की हालत यह है कि हमारे यहाँ बहुत मुखर होते हैं हमारे श्रीरामपुर के एमपी, इनके क्षेत्र में 3 कारखाने बंद हैं आज कितने दिनों से और वो कारखाने की जमीनें बेच रही है सरकार। हमारे पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की 7 जूट मिलें थी जिसमें 3 जूट मिल मेरे क्षेत्र में है और मैं आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि वो जूट मिलों को ऑक्शन करके यदि जूट मिल चालू हो जाए और श्रमिकों का भी भला हो और जूट का जो आज पूरे दुनिया में जरूरत है जूट के कपड़ों का और उससे पूरे दुनिया में और भारत का एक जो मैसेज आएगा प्रधानमंत्री का वो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद।